मध्यस्थी का जो निर्णय है यह मुद्दा लोगों के राखून फेत से जुड़ा हुआ है। अगर कोई सहमति बनती है तो इससे अमन चैन आएगा पूरे मुल्क में और बहुत बड़े लार्जर इश्यू को। लेकिन जो अनुभव हम लोगों का है कि पहले भी मुस्लिम पक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुए और अब भी वो समय को जाया करना चाहते हैं, हम लोग समय को अब आगे बर्बाद नहीं तो करना चाहते। आपसे ये जानना चाहूंगा, तीन मेन आपत्तियां, क्यों हिंदू महासभा नहीं चाहता है कि इस मामले पर मध्यस्थता हो? देखिए, कार सबसे बड़ी बात यह है कि जो कानून कहता है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट है तो उस रिप्रेजेंटेटिव सूट में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं दोनों पक्ष के, उनको शामिल किया जाए। अगर सारे स्टेक होल्डर्स उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं तो इसका कोई मायने नहीं रखता है। कोर्ट जो डिक्री पास करेगी उसको कैसे लागू कराया जाएगा, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आखिर ये सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी रही है? कोर्ट ने दोनों आपण एकूणच बघतोय की न्यायालयानं म्हटलेला आहे की मध्यस्थीचा जो निर्णय आहे तो राखून ठेवण्यात आलाय, त्यावरतीच खरं तर आज सुनावणी होणार होती, मात्र तो निर्णय राखून ठेवलाय आणि बाबराचं कृत्य बदलू शकत नाही असं न्यायालयाचं म्हणणं आहे। सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात सध्या सुनावणी सुरू होती आणि अयोध्या मध्यस्थीचा निर्णय सध्या राखून ठेवण्यात आलाय। आणि आपण मगाशीच खरं तर या बातमीवरती होतो, हिंदू पक्षकारांचा मध्यस्थीला खरं तर विरोध आहे आणि मुस्लिम पक्षकारांनी या मध्यस्थीला पाठिंबा दिलेला आहे आणि त्याच दरम्यान आता सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय जो आहे मध्यस्थीचा तो राखून ठेवलेला आहे। नेमका आता अयोध्या प्रकरणात काय काय घडामोडी घडत आहेत, कशा पद्धतीनं खरं तर मध्यस्थी करून काही निर्णय लागू शकतो का पुढे जाऊन, हे बघणं देखील महत्त्वाचं, कारण ह्यापूर्वी देखील मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न कोर्टाबाहेर झाला होता मात्र त्याचा काही एक फायदा झालेला नव्हता। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन पे अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू महासभा ने क्लियर स्टैंड रखा कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, सेटलमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान राम की जमीन है और पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा। तो ये बताइए क्या क्या किस किस पक्ष ने क्या कहा है? देखिए, हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था और रामलला विराजमान का क्लियर स्टैंड था कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, ये भगवान राम की जमीन है और हम सिंगल इंच कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मैटर को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए और अगर आपको इस मैटर को मीडिएशन के लिए भेजना है तो आपको पब्लिक नोटिस इशू करनी पड़ेगी। राजीव धवन साहब ने और निर्मोही अखाड़ा ने मैटर को मीडिएशन को भेजे जाने की सहमति जताई है, पर जहां तक अगर दूसरे हिंदू पक्षों का सवाल है, हिंदू महासभा का, रामलला विराजमान का, उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि इस मैटर में मीडिएशन पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की भी कई क्लियर रही है, क्या सवाल रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप पहले से क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि मैटर में मीडिएशन फेल हो जाएगा, जिसपे हमारा कहना था ये भगवान राम की जमीन है और भगवान राम की जमीन पे हमें कॉम्प्रोमाइज करने का हक नहीं है, इसलिए इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आस्था का भी ये जिक्र किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता है ये आस्था का विषय, जस्टिस बोबडे ने कमेंट किया, हमें पता है ये आस्था का विषय है और लोगों की भावनाएं इसमें जुड़ी हुई है और इसीलिए हम सब सोच समझ के एक प्रयास कर रहे हैं कि मैटर मीडिएशन के लिए भेजा जाए, जिसपे हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था कि ऑर्डर 1 रूल 8 सब क्लॉज 4 के तहत पब्लिक नोटिस जारी करनी है और पब्लिक के हर एक आदमी को बुलाना पड़ेगा मीडिएशन के लिए, जिसकी वजह से केस डिसाइड करने में बहुत देरी होगी, इसलिए इस मामले को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि अगर हम फैसला देते भी हैं तो सबको मान्य होगा या नहीं होगा, जिसपे हमने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया कि क्या अगर हम फैसला देंगे सबको मान्य होगा, जिसपे हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोविजन दिखाए सीपीसी के, जिसके तहत अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा तो वो सारे पक्षों पे बाइंडिंग होगा। तो अब ये आदेश कब तक आएगा इस बारे में? अब ये कहना बहुत जल्दी होगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया, कभी भी ऑर्डर पास कर सकते। एकूणच आपण बघतोय की मध्यस्थीचा जो निर्णय होता तो न्यायालयाने आता राखून ठेवलेला आहे, मात्र एकूणच हिंदू पक्षकारांचा ह्या मध्यस्थीला विरोध होता हा भावनेचा मुद्दा आहे, केवळ मालमत्तेचा नाही असं हिंदू पक्षकारांचं म्हणणं होतं, तर मुस्लिम पक्षकारांनी या मध्यस्थीला पाठिंबा दिला होता, मात्र आत्ता तरी हा सध्या जो निर्णय आहे तो न्यायालयात राखून ठेवण्यात आलेला आहे।